बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और बैंड्स में नोटराम लोडी रस्पा और बैंड्स में नोटराम लोडी आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली जा सकती है चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर रोक लगाई गई थी कि वो दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली में नहीं जा सकते, दिल्ली में कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। उससे ठीक पहले चंद्रशेखर आजाद को आज कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली की 30 जारी कोर्ट के अंदर चंद्रशेखर आजाद ने ये अर्जी लगाई गई थी कि वो अपराधी नहीं है, उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया है, उन पर कोई बड़ा अपराध नहीं है, तो वो दिल्ली आना चाहे या कहीं भी कार्यक्रम करना चाहे तो उनको इजाजत होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने पहले उनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज उस पर सुनवाई हुई। 30 जारी कोर्ट ने इस बात को माना कि चंद्रशेखर आजाद पर कोई भी बड़ा गुनाह नहीं है, उन्होंने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है, वो दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक शर्त लगाई है कि उस कार्यक्रम की पूरी सूचना जो क्षेत्र का डीएसपी होगा उसको देनी होगी। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के अंदर जाकर अब भीम आर्मी के साथ ही अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, साथ ही चंद्रशेखर दिल्ली में रह सकते हैं। उन पर जो रोक लगाई गई थी वो दिल्ली के अंदर आज 30 हजारी कोर्ट के अंदर जिस समय कोर्ट में सुनवाई हुई थी, और उसके अंदर आपको बता दें कि कोर्ट ने मॉडिफाई करा दे। आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से आज कोर्ट के अंदर ये दलील दी गई थी कि चंद्रशेखर आजाद के दिल्ली आने से माहौल खराब हो सकता है, प्रदर्शन हो सकते हैं, खराब माहौल हो सकता है, उसका दिल्ली पुलिस कोर्ट के अंदर कोई बड़ा एविडेंस नहीं रख पाई और उसके कारण आज चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली आने की इजाजत मिल चुकी है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को पहले 16 दिसंबर के दिन ये जमानत मिल गई थी, लेकिन उनके साथ ये शर्त लगाई गई थी कि वो 4 हफ्ते तक दिल्ली नहीं आ सकते। लेकिन आज कोर्ट के अंदर फिर से सुनवाई हुई और उसके अंदर ये साफ हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर सकते हैं। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।